बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में छात्रों के साथ मारपीट के मामले में फरार आरोपी नावेद खान के नावेद बस सर्विस के बंद ऑफिस में नोटिस चस्पा किया गया। शहडोल उप पुलिस अधीक्षक राघवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में सुहागपुर थाना प्रभारी अनिल पटेल, सहायक उप निरीक्षक राकेश बागरी, सहायक उप निरीक्षक रजनीश तिवारी सहित सुहागपुर थाने की टीम ने घटना को अंजाम देकर फरार आरोपी नावेद की तलाश में राजीव गांधी बस अड्डा पहुंची और आरोपी नावेद के न मिलने पर पुलिस ने नावेद के ऑफिस पर नोटिस चस्पा किया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में छात्रों के साथ मारपीट से जुड़ा हुआ है। वहीं प्रशासन के द्वारा आरोपियों को नोटिस में अल्टीमेटम देकर कहा गया है कि यदि 24 घंटे के अंदर थाने में उपस्थित नहीं होंगे तो आरोपियों की तमाम संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। ये उस प्रकरण में वांटेड है और पुलिस ने काफ़ी तलाश किया लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। उसकी सूचना के लिए उनको सूचित किया गया है कि आप 24 घंटे के अंदर थाना सुहागपुर में आकर के और उपस्थित हों, अन्यथा उनकी जो चल अचल संपत्ति है उसकी जानकारी ली जा करके और ऐसी तिरासी कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय में इस तरह आशा पेश की। शहडोल से फरीद खान की रिपोर्ट।